नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं विष्णु शर्मा। और आज हम ब्लैक फंगस के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर क्या है यह ब्लैक फंगस मिक्यूर माइकोसिस और इसके लक्षण क्या है? आखिर क्या है ब्लैक फंगस? तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो आसानी से फैलता है क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है उनको खतरा ज़्यादा होता है। ऐसे में जो मरीज पहले से ही आईसीयू में है या लगातार अस्पताल में भर्ती है उनमें ही ज़्यादातर पाया जाता है। डायबिटिक मरीज को संक्रमित कर सकता है और इसके साथ ही जो मरीज डायबिटीज के पेशेंट हैं लंबे वक्त तक आईसीयू में भर्ती मरीजों में ही फैलता है क्योंकि आईसीयू में रहने के बाद इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद खतरा और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तब तक इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन कैसे फैलता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लगातार जानकारी हम तक पहुँच रही है तो भी जानना बेहद ज़रूरी है। हवा में फैले रोगाणु के संपर्क में आने से, इसका मतलब जो हवा में रोगाणु है उसके आने से ही फैलता है और इसके साथ ही मरीज की त्वचा पर विकसित हो जाता है फंगस क्योंकि त्वचा पर चोट रगड़ या जले हुए हिस्सों में शरीर में दाखिल हो जाता है। वहीं जहां पर कटा हुआ या चोट लगा हो या फिर जला हुआ हो वहां से ब्लैक फंगस शरीर के अंदर दाखिल हो सकता है। लक्षण क्या है आइए ये भी हम देख लेते हैं। हड्डी का टूटना चेहरे दर्द पर घाव का एक बड़ा ही बेहद लक्षण है और इसके साथ ही आंखों में सूजन, आंखों का लाल होना इसके तमाम लक्षण हैं। इस पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है और आंख और नाक के पास काले धब्बे बन जाते हैं और उनको बार बार बुखार आना और इसके साथ ही सिर में तेज दर्द होना, खून की उल्टी होना और इसके साथ ही एक बड़ा सिम्टम है ब्लैक फंगस। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक फंगस से कैसे बचे, ब्लैक फंगस के बारे में हमें लगातार सुना है लेकिन इसके बारे में हमें और भी जानकारी बेहद जरूरी है, हम उससे कैसे बचे तो आइए वो भी बता देते हैं कैसे बचे। धूल वाली जगह पर मास्क पहन कर रखे। आपको बता दें कि जहाँ ज्यादा धूल हो वहाँ पर मास्क पहनना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी कीटाणु संपर्क में ना आए। मिट्टी की एक जैसी चीज संपर्क में आते वक्त जूते और ग्लव्स पहन कर रखें और इसके साथ ही चीजों के संपर्क में आने से इसके साथ ही ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखें। जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उनको ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर की सलाह पर ही स्टेराइड का इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिसिन ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के COVID-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करते रहें। अगर आपको भी COVID-19 से रिकवर हो चुके हैं और घर आ चुके हैं आप ब्लड शुगर का चेकअप करवाते रहें। एंटीबायोमेटिक एंटी फंगस दवाओं का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और इस तरह की दवाओं का और भी जानकारी जान लेते हैं, इसका इलाज क्या है वो बेहद ज़रूरी है जानना। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान स्टेराइल वाटर का प्रयोग करें। एंटी फंगस दवाओं से इलाज किया जाता है और इसके साथ ही सर्जरी करनी भी पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो इसके साथ ही सर्जरी से पहले एंटी फंगस थेरेपी देनी होती है, उसके बाद ही सर्जरी की जाती है। 4 से 6 सप्ताह तक चल सकती है एंटी फंगस थेरेपी, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर ही सर्जरी की जाती है।
कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जरूरत पड़ने पर ही सर्जरी की जाती है। तो आज के लिए जानकारी में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।